हाँ जी पत्रकार महोदय, रेडी हो जाओ। कौन सी न्यूज है? हाँ भारत टीवी। ओके हम जिनको बुला रहे वो तो आ ही रहे। आज हम तीन पर्चा लिखकर बिफोर टाइम रख रहे, एक नहीं तीन पर्चे, और तुम तीन लोग लाओगे, और जिन तीन लोगों को तुम लाओगे उन्हीं के ये पर्चे निकलेंगे। एक नहीं तीन, शायद एक तुक्का हो सकता है, दो हो सकते तुक्का। हम तीन पर्चे जो है एक साथ बिफोर टाइम बनाएंगे नंबरिंग सहित। आप तीन लोग लेकर के आइए, पूरे पंडाल में से जिनको भी तुम लेकर के तीन लोगों को आओगे उन्हीं के ये पर्चे निकलेंगे। हाँ ये सुन लो, आपके परिचय का वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि तुम अपनी अर्जी लगवा लो। बाकी कोई भी पंडाल से कहीं से भी तुम लेके आओ, तुम्हारी दम नहीं है कि तुम पर्चे के बाहर लेकर के आओ। तुम उन्हीं को लेकर आओगे जिनका हम पर्चा बना के रखेंगे। रुक जाओ, हम बना रहे फिर तुम जाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे। क्योंकि जिनके भी मन में ये भाव आता होगा, हो सकता गुरुजी को जानकारी लग जाती हो, अब ये भी तुम्हारे मन का भाव चला जाएगा कि तीन तीन पर्चे एक साथ बिफोर टाइम लिख करके रख दिए जाएंगे, और आने वाले समय में जिसको तुम लाओगे, जिसको तुम पकड़ के लाओगे, हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है यह पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। और यही कलयुग में हनुमान जी की शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बुला करके बताना तो सरल है, पर पहले से पर्चे बनाना, एक नहीं दो नहीं तीन तीन लोगों के पर्चे बना करके रखना, यही कठिन है, यही हनुमान जी के होने का प्रमाण है। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन। तो दोनों हाथ उठा के बोलो सन्यासी बाबा की। कहां रहते हो तुम बहुत बदमाश, तुम्हारे भी बहुत कांड है बेटा। भले ही तुम पत्रकार हो, कांड तो तुम्हारे भी लंबे लंबे हैं। नहीं तुम्हारे ना खोल भी, तुम टेंशन ना लो, और खोल भी देंगे तो तुम हमाओ का कर ले हलुगा। हम तो बाबा आदमी चल देंगे, कल फुल लौट जाएंगे। हाँ जी लीजिए कैमरामैन साहब, ये देखिए कितने नंबर है, हैं देखो जरा स्क्रीन पर देखो, ये एक नंबर ये रखा हमने मोड़ कर। राम गुरुजी, सीताराम, क्या ऐसा हो सकता पत्रकार महोदय? ऐसा हो सकता? चेक करो आज। देखते हैं दम कितना बाज हुए कातल में, और ईमानदारी से करना तो मैं भारत माता की कसम है। लो जी कितना नंबर है? दो नंबर। तो पत्रकार महोदय तुम रहते कहाँ हो? मैं भजनपुरा में रहता हूँ गुरु जी। हैं? भजनपुरा जहाँ लास्ट टाइम आप आए थे यमुना खादर में। ओके तो तुम्हें भरोसा है कि ऐसा हो सकता? नहीं गुरु जी, कई जगह मैं आपके दरबार में आया हूँ, शूट किया है मैंने काफी कुछ। अच्छा कई जगह है कि आपने जो बोला है वो सच निकला है, मुझे तो भरोसा है दरबार पे। और परपरागंज भी मैंने कवर किया था, नंदनगरी भी कवर किया है, यमुना खादर भी कवर किया है,
और आज यहाँ भी हूँ। तो लगातार आप कवर कर रहे हैं जी, और शायद उसी का परिणाम है कि आज आपके दर्शन भी हो रहे हैं और आपने मुझे मौका दिया। हनुमान जी की दया। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। लीजिए सन्यासी बाबा तैयार हैं, देखते हैं दम कितना बाजू है कातिल में। लीजिए भैया ये देखिए, नंबर 3 फाइनली। तीनों नंबर देख लिए जी, हमने दफ्ती रख ली। और कोई ऐसा है जिनको लगता हो कि ये पर्चे गलत निकल सकते हैं? कोई भी पंडाल में ऐसा हो जिनको लगता है ये पर्चे गलत निकल सकते हैं, पत्रकार के साथ जाकर कोई भी 3 लोगों को आप लोग ले आइएगा। जितने यहां खड़े हैं बैठे हैं, किसी को भी लगे कि ये पर्चे गलत निकल सकते, लेकिन सुनो, मुर्गा हम बनवाएंगे तुमको अगर सही निकल गए तो किसी को भी, वो तो शर्त है, आप अगर शर्त लगाओगे तो हार या जीत होगी, या तो हमारी हार होगी या तुम्हारी हार होगी। तो कोई भी ऐसा पंडाल में हो जिनको लगता है कि ये पर्चे गलत हो, इनके साथ जाकर कोई भी 3 लोगों को लेकर के आइए। और आप जिन 3 लोगों को लेकर के आएंगे, हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है ये पर्चे उन्हीं के निकलेंगे, और ये उनके लिए भी है जो कहते हैं कि मन की बात भर पढ़ लेते हैं। मन की बात तब पढ़ी जाती है जब कोई सामने बैठा हो, जब सामने ही नहीं है तो क्या खाक मन की बात पढ़ोगे तुम? तो जाओ, जहां से भी बने 3 लोग लेकर के आओ। जय सियाराम, जय सियाराम। और हां, पीछे जरूर जाना ताकि आंगे आंगे के लोग ना आ सकें, लास्ट तक जाना। जी जी बिल्कुल, माइक को रख दो ताकि हमें आवाज ना सुना पाए, वरना साउंड से आवाज आ जाएगी तो लोग कहेंगे साउंड से आवाज सुन ली, दुनिया का कोई ठिकाना थोड़ी है। हमने तमाम भाई कर्जा ले लो का, हम बहरे हो गए, सुनाई नहीं दे रहा है। सीताराम साधु जी, देखते हैं अब क्या होता है, या तो हारेंगे या जीतेंगे। जय श्री राम। अच्छा ऊपर है, चढ़ गओ, चढ़ जा, कैसो पत्रकार है, चढ़ जा, आगे के लगे छिल भरना जाइए पब्लिक में। ये मेहनत तो कर रहा है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। अच्छा भैया सभी लोग बैठ जाओ, 3 तक गिनेंगे हम। 1 एक भाई, ये मत, 2 इनको बुलाया मैंने, ये बहन जी को और बुलाया, जे पूरे पूरे 3 भैया। वो माइक बंद कर देना, वो वाला माइक बंद कर, बैठ जाओ। अभी दरबार लगा रहेगा, पीछे वाले भी बैठ जा, बैठ जा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बोल बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। अरे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा।
पत्रकार तुम पूछ लेना उनसे, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, नहीं तो ठठरी तुम्हारी बरेगी। देखो हम जो भी बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, चाहे जो हो जाए, किसी को बुरा लगता हो रोटी ज्यादा खा लेना, हम सुधरने वाले नहीं हैं। सीताराम। अब पता नहीं सन्यासी बाबा को किन तीन लोगों की अर्जी लगवानी है, बड़े लीलाधर हैं सन्यासी बाबा। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम, बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, बोल चमीटा वाले बाबा की, हारे हारे भारत हिंदू राष्ट्र की। अरे की आया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल की आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। लगता है पत्रकार और कितना टाइम लगेगा, तीनों लोगों को चढ़ा दीजिए मंच पे, चढ़ाइए मंच पे तीनों लोगों को, आप जूता उतार लीजिए, चढ़ाइए तीनों लोगों को। बाहर इंद्र देवता बरस रहे, भीतर बागेश्वर बाबा बरस रहे हैं, दोनों तरफ वर्षा चल रही। बेटा बैठ जाओ वहां, वहां बैठ जाओ एक कोने में, वहां कोने में। आने दो भैया, जल्दी आने दो, यहीं खड़ा कर रखो यहीं। माइक करिए चालू, अपना माइक लीजिए, ये तीन लोग आप लाए हैं, ये चालू करो भैया इनका माइक। हाँ ये तीनों लोग आप लाए? जी मैं लाऊं इन्हें। आप इन लोगों को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। तुरंत उठा के लाए हैं? नहीं नहीं, पीछे आप, तक गया। हाँ जो मुझे दिखा उनमें से, जो तुम्हारा मन बोला उन्हीं को तीनों को लेकर आए जी। अब हमको भी पर्चा पता नहीं किसका है, कहाँ है, क्या लिखा है, हमने तो लिख करके रखे हैं। आप अभी भी क्या व्यक्तियों को बदलना चाहते हैं? नहीं गुरुजी। फाइनल जी, यही तीन है जी, कोई और तो नहीं बुलाना चाहते हैं कि तुम्हें लगे कि शायद ऐसा ना हो, इन्हीं के पर्चा बुलाना तो नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। सोच लो, लॉक करें? बिल्कुल सर। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक को आप भेजिए और आप माइक अपना चालू रखिए जी, भेजिए, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। सीताराम आओ बैठो बहना, बुलाकर पर्चा बनाना सरल है, और पहले से पर्चा बनाकर लिखकर रखना और किसी दूसरे से बुलवाना कठिन है। बैठो, बस बस बहन, क्या नाम है? यहां माइक होगा, ये उठाओ, ऐसा मुंह करो बालाजी की तरफ,
क्या समाधान आप पाने के लिए आई? पहले तो ये बताओ क्या आप इनको जानते हैं, पत्रकार को? नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं जानती? क्यों नहीं जानती? मैं सच में कुछ नहीं जानती, मैं यहाँ तक कैसे पहुंची। मेरे बस एक ही मंत्र आपका जो आपने सुबह बताया था, हाँ, बागेश्वर है नमो नमः। जब से मैं घर से निकली हूँ मैंने बस यही मंत्र का जाप और कुछ नहीं बोला। बस मेरे को नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे पहुंची। मैं पहली बार 3 दिन से आपको देख के मेरे को ऐसा भाव आता है जैसे मैं घर पे रोती हूँ, मुस्कुराती हूँ। कभी कभी आपकी कोई बात सुन के मेरे को नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे। कोई बात नहीं, रो मत, आप आ गई। आपको भरोसा है कि आप नजदीक आ गई? मेरे को अभी तक भरोसा नहीं। कोई बात नहीं, क्या समाधान या प्रश्न का उत्तर आप पाना चाहती? मेरी बेटी 4th में है, जब मैं घर से निकली उसने बोला मम्मा वहाँ पे जाके कहीं रो मत देना, मम्मा वहाँ जाके रो मत देना बस। ओके, कोई बात, पूछो क्या जानना चाहती? मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ, उनका काम बनते बनते रह जाता है। एक हम ये चाहते हैं कि मेरा बेटा होगा कि नहीं होगा। ओके, हम बताएं। और अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं, मेरी 4th क्लास में। इनके ये प्रश्न आपने सुन लिए, पति का काम, बच्चे के बारे में ये जानने आई हुई हैं। जी। अच्छा, हमने 1 से लेकर 3 नंबर तक पर्चे लिखे। जी। पर्चे अभी भी बंद हैं, हमें नहीं है पता। अब आपकी क्षमता और हमारी शक्तियों की क्षमता जरा देखना, आप चुन करके लाए। अब अगला आपके लिए चैलेंज ये है कि 1 नंबर से 3 नंबर तक का कोई भी आप एक नंबर बताएं, उसी पर्चे को हम खोलेंगे और जो नंबर तुम बताओगे वही पर्चा इनका निकलेगा। इनका 2 नंबर सोच लो, बिल्कुल हमने नहीं अभी पढ़ा, हमें पता नहीं कौन किसका पर्चा है। और यही एक अद्भुतता का विषय है कि आप पढ़े लिखे हो और आप विज्ञान के हो और आप टीवी के हो और आप सत्यता को दिखाओगे, सत्यता को कहोगे, अभी भी सोच लो। नहीं गुरुजी, 2 नंबर फाइनल। हाँ जी, देखिए आप वही नंबर बोलेंगे जो हमारे हनुमान जी चाहेंगे। फिर से सोच लो कि बाद में फिर कहो कि हमें 1 बोलना था या 3 बोलना था। नहीं, 2। 2 लॉक कर दें? बिल्कुल। पढ़ी लिखी आप कितने तक? ग्रेजुएशन किए। कितना नंबर है? 2 नंबर। आओ नजदीक। अच्छे से बैठो, इस तरफ मुंह करो, अच्छे से बैठो, पालथी मार के ही बैठो। ये 2 नंबर का फिर से एक बार आप दिखवा दीजिए पर्चा। पढ़िए, आप देवी हवन नवरात्रि में करवा दें तो पुत्र होगा, अस्वस्थता दूर होगी व पति को घर में हैरानी, काम की बनी आप नूतन हैं, उनका व्यापार चलने लगेगा, पति पर कृपा हो जावेगी, आशीर्वाद है। सीताराम सीताराम। बराबर। एक बात और, गर्भाशय में दिक्कत, छोटी सी एग की समस्या वर्तमान में बन रही है, अंडे ना बनने की स्थिति वर्तमान में बन रही है, डॉक्टरी सलाह भी आपको साथ में लेनी पड़ेगी, उसी पद्धति से बालाजी कृपा कर देवेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। सब ऐसे, मैं बहुत दिन। अच्छा, पुराना वाला भवन आपका कहाँ है? पुराना वाला भवन, पुराना मकान, अभी हम वहीं पे रह रहे हैं जहाँ मैं शादी करके आई हूँ, वहीं पे। अभी नया घर लेने हैं, हमने उसकी वो पहली किस्त दे दी है, बाकी आगे नहीं दी जा रही है। वो कहाँ है, हम वही पूछ रहे हैं। पहाड़गंज में। पहाड़गंज में। अच्छा, यहाँ पर देवी का स्थान है? देवी का स्थान नहीं, पर एक बात मुझे पता है कि वहाँ पे कुआं था पहले, जहाँ हाँ। पे हम रह रहे हैं वहाँ पे कुआं था, उसकी पूजा भी करवाई है, सब कुछ करवाया है, उसके बाद मकान। जलाशय था पास में, वहाँ पर देवी का स्थान है, वहीं पर आप नवचंडी का पाठ करवा दे रहे। अच्छा, झंडे वाली माता के पास। जय सीताराम। जय सीताराम। इसी में एक मंत्र है, 3 माला आपको करनी है। बालाजी आशीर्वाद।
बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय। कोई भी एक नंबर और भेज दीजिए। बस बहना अगला तीन नंबर नहीं भेज दो किसी को पहले। प्रणाम। तीन नंबर फाइनल जी गुरुजी। क्या प्रश्न है? हैं? आप पहले माइक लो। तीन नंबर। हाँ पूछें। मेरे पापा बहुत बीमार रहते हैं, मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती हैं, मेरी दीदी का शादी नहीं हो रहा है कहीं पे। पढ़िए। मानसिक तनाव, बहन की शादी में रुकावट, परिवार में अशांति, कृपा होगी, पेट पीड़ा, पिता को बनती, माँ को भी दिक्कत है, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। यही है। कहाँ रहते हो? गाजीपुर यूपी। ये मंत्र विधि है। और एक प्रश्न और है प्रभु जी। हाँ। मेरी दीदी को बालक नहीं होता है। बालक आए हैं। अच्छा बधाई हो। आज्ञा है, नियम का पालन करना है, धाम की अनवरत पेशी करनी। अगला आइए जल्दी आइए। ये पहले दिखा देना जी। एक नंबर। आओ बहन। बस बस वहाँ दूर से क्या समाधान चाहिए? अच्छा हाँ जी, आप भी आ सकते हैं इनके साथ में। तो हमारे जो पर्ची में आया हम वो पढ़ते हैं। घर में पितृ दोष बना, घर में उत्पात बहुत मचा, काम में अवरोध बने, बेटी की हैरानी को लेकर के आप आई हैं, बहुत विचलितता है, बात नहीं मान रही, गलत रास्ते पर चलने लगी है, वर्तमान में ठीक है, सुधार हो जाएगा, बात मानेगी, वहां से मन कट जाएगा, मन नहीं कटा है, एक जगह जुड़ गया, ठीक है। वो बात हम बेइज्जती के कारण माइक पे नहीं बोल रहे, आप समझ गई होंगी। ये पर्ची में स्पष्ट आया वो लव चक्कर में फंस गई, प्रेम चक्कर में फंस गई। हाँ निपट जाएगा। हम तुम्हें धाम की एक विधि बतला देते हैं, जाओ बालाजी कृपा कर देंगे, आशीर्वाद है। कहो पत्रकार महोदय। जी गुरुजी। एकदम सही, बढ़िया गुरुजी। बच्चों के भी काम नहीं हो रहे हैं। ये पूरा खेल बेटी का है, उसने पूरे घर का माहौल खराब कर दिया और रोज मरने मारने की बातें बोलने लगती। आजकल तो सुन भी नहीं रही है, उल्टा बोल रही है, सामने वाले से बहुत ज्यादा उसका अटैचमेंट बढ़ गया है। आप रो मत, धाम आओ, हमें चित्र दियो, हम ऊखों बुलवा ले हैं, उपाय कर दे हैं, आशीर्वाद है। एक मंद हम विधि कर दें। स्थाई चाहते हैं वो, उनको आना चाहिए। सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। आओ पत्रकार महोदय, खुश रहो। क्या मानते हो अब आप? अब आप पहले तो खड़े होके बोलो। गुरुजी पहले होता था कि शायद कोई माइंड रीड करता है, फेस रीड करता है, मगर कई जगह मैंने देखा और हमने भी कोशिश की
कि जो आप पर्चा बना रहे हैं उनसे बाहर बात करें, उनकी डिटेल खंगालें, मगर हाँ लगा कि हाँ कुछ शक्ति तो है जो उनको इस तरीके से लेके आती है और पर्चा खोलता है उनका और उसके बाद उनकी अर्जी लगती है। ओके, ये जो तीन पर्चे बनाए, माइंड रीडिंग एक उसके लिए व्यक्ति चाहिए, वो लोग कहते हैं कि सोचो, दिमाग लगाओ, इस पर क्या कहना, उस तरफ मुंह करके बोलो। बिल्कुल, ये शक्ति है, ये बालाजी कृपा है, ये हम भी मानते हैं गुरुजी, और आज तो यकीन हो गया क्योंकि मेरा आपसे भी कोई सरोकार नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ आता हूँ कवर करने, मगर आज पहली बार आपने मुझे बुलाया है, इससे पहले भी दो बार आया हूँ। मेरे साथ के पत्रकारों को आपने लास्ट टाइम पड़पड़गंज में एक महिला को बुलाया था, नवभारत टाइम से थी वो, और वो बाहर से ही जा रही थी, वो गिर गई थी, उनको चोट लग गई थी, मगर उनको मैं ही उठा के अंदर लाया था, मैंने कहा बहन आप आओ, और वो अंदर गई, उनकी हाजिर लग गई और मैं वहीं पे था, और मैं कुछ देर बाद मैं खुद बाहर चला गया। ओह धन्यवाद, जय सियाराम। अब एक दो बातें तुमसे हो जाएं। ये लो पटका, खुश रहो। पर वो दुश्मन पीछे लग गए, आप भगवान ने चाहा तो मिलेगा, उन लोगों का भी मिलेगा, और उसके लिए आपने बहुत अच्छी मुहिम भी छेड़ी है, वो भी प्राप्त होगा। अपनी पत्नी को भी कह देना कि बाल बांका नहीं होगा, सत्य की जीत होगी। आशीर्वाद दामाना।